हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ विजार्ड पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर सोशल साइंस पढ़ाइए, उसमें फसल के बारे में बताइए, जिससे बोर्ड से हर बार ऑब्जेक्टिव और सभी गुरु पूछा जाता है। तो मैंने सोचा कि चलिए आपको फसल के बारे में बता ही देते हैं। अब देखिए, अब आता है कि सर दोस्त आते हैं कि कर्क बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। जो फसल पहले आता है कि फसल क्या है, फसल जो मानव और जीव जंतु की आवश्यकता को जो पूर्ति करता है उसे हम क्या बोलते हैं, फसल। जैसे कि मान लीजिए जीव जंतु क्या है, फसल चाहिए तभी तो अपने भोजन करेगा, और उसी तरह मानव के भी अपने कार्य क्रियाकलाप करने के लिए फसल आवश्यकता है ताकि वो अपने दैनिक कार्य कर सके, अपने आवश्यकता को पूर्ति कर सके, ये सब फसल रहता है। अब फसल भारत में ऋतु के अनुसार उपजाई जाती है। ऋतु के अनुसार भारत में चार प्रकार की फसलें उपजाई जाती है, जैसे खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, नकदी फसल। अब आता है कि सर ये खरीफ फसल क्या होता है, तो खरीफ फसल वर्षा ऋतु में जो उपजाई जाने वाली फसल होती है उसे खरीफ फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल को हम क्या बोलते हैं, खरीफ फसल। यह जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। देखिए प्रत्येक फसल जो है ना, यह इसमें 5 माह का अंतराल होता है कि 5 माह के बाद ही आप काट सकते हैं उसको। देखिए जून है तो जून के बाद देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी देखिए अक्टूबर आपको काटा जा रहा है कि नहीं, जुलाई में बोइएगा तो नवंबर में काटिएगा। यानी कहने का मतलब जून जून जुलाई में अगर बोइएगा ना तो अक्टूबर नवंबर में काटेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो धान हो जाएगा, बजरा हो जाएगा, इत्यादि ढेर सारा हो जाएगा, मैं आगे बताऊंगा आपको। अब आता है कि रबी फसल सर क्या है, तो देखिए शीत ऋतु में उपजाए जाने वाली फसल को रबी फसल बोलते हैं। शीत ऋतु में उपजाए जाने वाली फसल को क्या बोलते हैं, रबी फसल बोलते हैं। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी। देखिए इसके बीच में अंतराल दिखेगा ना, ये दोनों के बीच का अंतराल चाहिए, दोनों के बीच का अंतराल में से 5 माह का दिखेगा आपको, तो उसे रबी फसल बोलते हैं। जैसे में गेहूं चना हो जाएगा। अब जायद फसल जो है ना दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के ऋतु समय में जो फसल उपजाया जाता है उसे जायद फसल कहते हैं। यह मार्च अप्रैल में बोई जाती है, अब मई जून में काट देती है। इसमें हमेशा सब्जियां होती है जो इसको 2 माह ही होता है। देखिए 2 माह का अंतराल आप दिख रहा होगा दोनों में, 2 माह का अंतराल। तो ये मार्च अप्रैल में, अगर मार्च में बोइएगा तो मई में काटिएगा, अप्रैल में बोइएगा तो जून में काटिएगा। यानी मार्च अप्रैल में बोइएगा तो मई जून में काट, जैसे खीरा ककड़ी भेसरा भी हो जाएगा। उसके बाद आता है नकदी फसल। नकदी का मतलब समझते हैं ना, लीजिए दीजिए उसको नकदी बोलते। उसी प्रकार नकदी फसल जो होता है ना, इसका कोई ऋतु निश्चित नहीं होता, ये किसी भी ऋतु में उपजाया जा सकता है, इसलिए कोई भी ऋतु में उपजाया जा सकता है, इसको हम नकदी फसल बोलते हैं। इसके लिए निर्धारित अवधि नहीं होता है, जैसे गन्ना, कपास, आपको जूट भी मिल जाएगा इसमें। अब इसी प्रकार हम जानेंगे कि कर इसका याद करने का ट्रिक, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह आपका खरीफ फसल का ट्रिक है। कैसे हम लोग ट्रिक में पहचानेंगे कि खरीफ फसल कौन कौन है, इसके अंतर्गत आने वाले खरीफ फसल के बारे में हो जाएगा, देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले आर्य है, आर्य गधे बजा मत बजा, यानी गधे को मना कर रहा है कि तुम बजा मत बजाओ, क्योंकि देखिए क्यों, अब इसी गधे के नाम में देखिए कैसे आपको पता चल जाएगा कि खरीफ फसल के अंदर कौन कौन सी फसल आता है। इसे आर्य के मतलब हो गया, अरहर का नाम सुने होंगे दोस्तों, अरहर, अरहर हो जाएगा। उसके बाद ग से आपको गन्ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गन्ना। उसके बाद आपको धा से हो जाएगा, आपको धान हो जाएगा, जिसको आप लोग चावल कहते हैं। अब ब से हो जाएगा, अब जानते हैं बजड़ा हो जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बजड़ा। और ज से आपको हो जाएगा, जौ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्वार कह सकते हैं। उसके बाद म से आपको जो होता है, म से हो जाएगा आपको मक्का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। अब दोस्तों जो त से है ना, त से आपको दोस्तों, त से आपको तिलहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तिलहन। और जो इसमें ब है ना वो साइलेंट रहता है, क्या रहता है दोस्तों, साइलेंट, आपको साइलेंट रहेगा। अब आता है कि दोस्तों ये तो हम आसानी से याद कर सकते हैं सर, आरे से अरहर याद रख सकते, ग से गन्ना याद रख सकते, धा से धान याद रख सकते, ब से बजरा याद रख सकते, ज से ज्वार याद रख सकते, म से मक्का, त से तिलहन। जबकि बजा जो शब्द है वो लगाए याद करने के लिए, इसीलिए उसको हमने साइलेंट कर, चाहे तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, देखिए यह आपको रबी फसल का ट्रिक होगा। जैसे कि आज सच में गर्म है, इसके मतलब आज बहुत गर्मी पड़ रहा है,
उसलिए कोई व्यक्ति जो रबी है ना वो बोल रहा है कि आज सच में गर्म है। अब इसमें देखिए आपको रबी फसल के अंतर्गत आने वाली फसलों का नाम याद हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज से हो जाएगा आपको आलू, क्या हो जाएगा दोस्तों आलू हो जाएगा, जौ से आपको जौ हो जाएगा, और सौ से आपको समझ सकते हैं सौ से जो आपको हो जाएगा ना वो सरसों हो जाएगा, क्या हो जाएगा सरसों, और जौ से आपको चना हो जाएगा, और जिस पर हम क्रॉस किए हैं ना दोस्तों वो मतलब वो आपको पढ़ने के लिए है लेकिन वो साइलेंट है छिपा रहता है, और गौ से आपको हो जाएगा गेहूँ, आप जानते हैं इसका गेहूँ तो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और र से जो दोस्तों होगा ना वो र से आपको हो जाता है, र से आपका हो जाएगा जो र से हो जाता है आपको एक नाम सुनेंगे राई का नाम, किसका नाम राई जो भी एक फसल है, उसके बाद आपको हो जाता है, अब म से आपको जानते हैं सब कोई कि म से क्या होता है मटर होता है, क्या होता है मटर, यह आपको रबी फसल का टिक हो गया। अब दोस्तों अब हम जानेंगे अगला जो जयाद फसल का टिक, इसलिए इसको भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए दोस्तों, कल हमें आपको अब दोस्तों देखिए हम लोग देखते हैं जयाद फसल का ट्रिक, कैसे हम जयाद फसल को पहचानेंगे। देखिए कह रहा है कि ताऊ खीरा खाकर मरे, जो ताऊ है ना वो खीरा खाकर मर गए। अब इस ताऊ के नाम में ये आपको जयाद फसल का नाम छिपा हुआ है दोस्तों। देखिए आपने पहले त से है, त से सबको जानता है तरबूजा होता है, दोस्तों क्या होता है तरबूज जानते हैं ना, तरबूज आपको इस समय चल रहा है उसका मौसम ही चल रहा है, उससे क्या होता है दोस्तों आप जानते हैं उससे क्या होता है उड़द होता है, क्या होता है उड़द। उसके बाद दोस्तों जो खीरा, खीरा जो शब्द है ना खीरा से केवल खीरा हो जाएगा, टोटली खीरा हो जाएगा। उसके बाद हम आपको देखते हैं खा जो शब्द लगा है ना दोस्तों, खा से आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या खरबूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा खरबूज। उसके बाद दोस्तों क से आपका ककड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ककड़ी, और रास्ते है ना दोस्तों राई, यहाँ पर भी राई आपको जायद फसल के भी अंतर्गत आता है, और जो मस्य है ना मस्य मूंग हो जाएगा, क्या दोस्तों हो जाएगा मूंग, जैसे हम लोग मूंग का दाल खाते हैं ना दोस्तों, और जो र है ना वो साइलेंट रहेगा दोस्तों। अब आता है कि हम जानते हैं नकदी फसल का, नकदी फसल के बारे में जानने के लिए कि नकदी फसल का ट्रिक क्या है, तो नकदी फसल का ट्रिक बहुत आसान है, क्या है दोस्तों नकदी फसल का ट्रिक है कागज में तम्बाकू, कागज में कागज कागज में तंबाकू, तंबाकू तंबाकू है। अब इसमें यह साइलेंट रहेगा, यह साइलेंट रहता। अब आता है कि सर यह कागज में तंबाकू के कहने से मतलब क्या, देखिए इसमें नकदी फसल का नाम छिपा हुआ दोस्त, देखिए नकदी में क से आपका हो जाता है कपास, क्या होता है कपास, ग से आपको दोस्तों देखिएगा तो आप ग से गाना भी आता है इसमें, और ज से जूट हो जाएगा जूट, और में साइलेंट रहता है, और तमाकू से तमाकू हो जाएगा दोस्तों। यह संदार आपको रहा याद करने का एकदम फसल का ट्रिक, आप एक से दो बार इसको देखिएगा वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऐसे ऐसे बहुत सारा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, सबसे पहले इसका वीडियो आपके पास मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।